आयरन लेडी गुरमीत धनई को उनके निवास पर पहुंची ब्रह्मा कुमारी बहनों ने उनके माथे पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधने के बाद गुरमीत धनई को मिठाई खिलाकर आशीष दिया। इस दौरान आयरन लेडी गुरमीत धनई ने कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्यौहार नहीं, अभी तो ये संकट के समय एक दूसरे की रक्षा का वचन होता है, जैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिया था। मैं गुरमीत धनई आज के इस शुभ अवसर पर ब्रह्म कुमारी बहनों का मेरे घर में आज आना हुआ और रक्षाबंधन की सबको शुभकामनाएं। इनकी रक्षा सूत्र की एक अलग ही परिभाषा है, ब्रह्म कुमारी बहनों का एक आशीर्वाद है हम सब बहनों और भाइयों के लिए। इस देश में इतनी विपत्तियां हैं, इतनी मुसीबतें हैं, इतनी परेशानियां हैं, उनके तहत अगर कहीं ना कहीं हम सब व्यथित होते हैं, हम परेशान होते हैं, तो हम सब के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप एक अच्छे वचनों का सामने आना, एक सात्विक रूप से हम सबको एक आशीर्वाद के साथ साथ एक देश दुनिया के बाहर एक आत्मा और परमात्मा की बात बताना, ये हम सब के बीच बहुत ज़रूरी है। इस व्यस्तम क्षणों में हम कहीं ना कहीं व्यथित होते हैं और परेशान ही रहते हैं। इन परेशानियों से बाहर निकलने का हम दवाइयों का आसरा ढूंढते हैं या लोगों के बीच में दूसरी तरह की व्यवस्थाओं में लाते हैं, लेकिन जो ये व्यवस्था है जो भगवान की तरफ हमको खींचती है, हमारे को एक रास्ता देती है, एक मन को शांत चित करती है, तो कहीं ना कहीं इन बहनों के कारण आज जो मेरे को रक्षा सूत्र बांधा गया और दुआएँ दी गई कि आपके पास आस पास जो भी परेशानियाँ आती हैं उनसे आप अच्छे से निकल के आए सामने, ये दुआएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जीवन जीते हैं इंसान का, हम भगवान से बहुत नीचे हैं और शैतानों से थोड़ा ऊपर है, परंतु इंसान की नीति के नाते कहीं ना कहीं हमसे भी बहुत सी गलतियां होती हैं और उन गलतियों में हम अपने आप को संभाल पाए या कहीं ना कहीं हम अपने शब्दों का ध्यान रखें कि हम किससे कहीं बुरा ना दुर्व्यचार ना कर सकें। इन बहनों से मुझे शिक्षा मिलती है कि एक रूप है सात्विक रूप, जिस सात्विक रूप से इन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर रहा है व्यस्त क्षणों में, तो हम भी क्यों नहीं इनसे थोड़ा सा हम पूरा तो पूरा हम कर पाएँ कि ना कर पाएँ ये बात की बात, परंतु अगर थोड़ा सा भी समय ऐसा हम निकाल पाएँ जिसमें हम अपना आत्मचिंतन कर पाएँ, उसके लिए इन बहनों के ब्रह्म कुमारी बहनों की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरे तरफ से धन्यवाद है, आभार है कि हम सबको आपके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते मिलते रहे जो स्लोगन के थ्रू हमको शांत चित करते रहे, नहीं तो व्यवस्था में हम लोग तकलीफ में रहते हैं और अपने आप की तकलीफ में रहना हमारे लिए, हमारी उम्र के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं। इस अच्छे को बनाने के लिए हम बहनों के साथ हैं और बहनों ने आज राखी बांधी, मुझे रक्षा सूत्र के माध्यम से मुझे दुआएँ दी और साथ ही साथ एक अच्छा मन कहने के लिए कहा, तो वो मैं उसके लिए बिल्कुल आशान्वित करती हूँ उनको कि मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपके द्वारा दिए हुए वचनों पर मैं चल पाऊँ। धन्यवाद, राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को।